शीघ्र हटवाया जाए, यह हमारे समाज का मांग है। हमारे संघ के नालंदा जिला के संयोजक श्री श्रवण रजक एवं उनकी पत्नी को असामाजिक तत्वों का मारपीट कर उसे घायल कर दिया गया। जो अनुसूचित जाति जनजाति थाना कांड संख्या 12/2018 से संबंधित था, श्री श्रवण रजक के विरुद्ध विपक्षी द्वारा झूठा मुकदमा अपने बचाव में दर्ज कराया गया है, जो बिहार थाना कांड संख्या 147/018 से संबंधित है। हमारा अनुरोध है कि सरकार इस संबंध में निष्पक्ष जांच कराकर श्री श्रवण रजक को न्याय प्रदान करें। यही मांगों को हम आपके समक्ष रखे हैं। हमें आशा है कि इस मांग को माननीय भवन निर्माण मंत्री श्री महेश्वर हजारी जी इस मांग पत्र को अपनी अनुशंसा के साथ मुख्यमंत्री जी के पास भेजने का काम करेंगे, ताकि हमें न्याय मिल सके। मैं अभी खत्म नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ और बोल रहा हूँ बोलूंगा, मैं उन्हें यह समर्पित करने जा रहा हूँ। दोस्तों, हमने पहले भी कहा है कि हम लोग एक निर्णय लिए थे कि एक बड़ा कार्यक्रम किया जाए, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों को बुलाया जाए, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे बीच में अभी नहीं है, मुजफ्फरपुर में कार्यक्रम में सम्मिलित है। आने का आश्वासन तो उप मुख्यमंत्री जी से मिला था, मगर वहां जो कार्यक्रम हो गया तो उसमें हम कुछ नहीं कर सके। तो हमारे बीच हमने माननीय भवन निर्माण मंत्री जी से हमने जाकर के रिक्वेस्ट किया था, तो उन्होंने अपना समय दिया, इसके लिए हम मुझे बहुत 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 आभारी हैं। दोस्तों, हम यह कार्यक्रम इतना गर्मी में भी रखा। हमें कुछ लोग बोले कि भाई यह कार्यक्रम आप इतना गर्मी में क्यों कर रहे हैं। हमने कहा कि हमारे राज्य कार्यकारिणी का जो निर्णय हुआ है तो हम उसको इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे, और उसी निर्णय के आलोक में आज का यह कार्यक्रम हो रहा है। दोस्तों, आज का कार्यक्रम यह एक छोटा ट्रेलर है। हम 2020 में जनवरी या फरवरी में जिसमें गर्मी बहुत कम